उसकी ये वीडियो सारी हिंदी में है, अगर इंग्लिश में होती तो उसे पता चल जाता बीच बीच में मैं उसकी भी बातें करती हूँ। इतना सारा काम देख कर ना मुझे चक्कर आ रहा है, इतना सारा काम। भगवान पता नहीं आज मैं ब्रोमोट कब पहुंचूंगी और फिर कब लौट के आऊंगी और फिर कब घर जाऊंगी। मुझे घर जाना है, थोड़ा सा दिल कर रहा है मेरा घर जाने को। वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। वेल अभी मैं अपनी कार में बैठी हूँ एंड बिल्कुल तैयार हूँ काम पर जाने के लिए। आज थर्सडे है बट मेरी आवाज़ ना अभी थोड़ी सी ऐसी लग रही होगी ना कि अभी और है चीज़, मतलब खुल के नहीं हो पा रही, बात नहीं हो पा रही, खुल के आवाज़ नहीं आ पा रही, थोड़ा सा भी है कोल्ड। बट कोई नहीं, अब वो भी धीरे धीरे सही हो जाएगा। सो अभी चलने लगी हूँ काम पर एंड बाहर का मौसम ना बहुत अच्छा हो रहा है, बिल्कुल बारिश वाला हो रहा है। देखते हैं आज का दिन कैसा रहेगा। फिर इस ट्रेलर को बुक करने को दिया है एंड बहुत सारी डिलीवरीज आज, बहुत सारी। सो मैं देख लेती हूँ ये ढंग से, इसकी पिन अंदर जा चुकी है। अब इसकी लैग को ऊपर करना है एंड वायर्स लगानी है। बहुत सारी डिलीवरीज है, बहुत सारी, मतलब 5-6 तो डिलीवरीज है तो इसी एरिया में, बट बहुत सारी डिलीवरीज है। एंड ऊपर से डिस्पैचर ने कहा थोड़ा जल्दी जल्दी करना, बिकॉज आई थिंक ये पिकअप भी डालेगा। सो थोड़ा सा जल्दी जल्दी आज भाग भाग के काम करना पड़ेगा। इसमें ना फ्यूल कम है, अभी सिर्फ इतना ही है, तो पहले फ्यूल करवा लेती हूँ इसमें और फिर काम पर निकलती हूँ। मुझे डिस्पैचर बोलता कि सुरभि तुमने कोई वीडियो नहीं डाली रही, मतलब उसे पता तो चल चुका है कि मैं यूट्यूब पर हूँ, बिकॉज एक दिन मुझे बोला था सुरभि द यूट्यूबर, मुझे लगा इसे कैसे पता, बट चलो जैसे भी पता हो, उसने बताया तो नहीं कैसे पता चला उसे, बट पता चल गया। तो आज कहता कि वीडियो नहीं डाली, मैंने कहा नहीं मैंने मतलब अभी डाल रही हूँ, थोड़ी थोड़ी डालती हूँ। कहता हाँ तुम बीमार हो ना इसलिए नहीं डाल पाई होगी। मतलब इतने ज्यादा, अभी सपोज कि ये वीडियो सारी हिंदी में है, अगर इंग्लिश में होती तो उसे पता चल जाता बीच बीच में मैं उसकी भी बातें करती हूँ। लेकिन चलो थैंक गॉड हिंदी में है, अब उसे कहाँ से समझ में आ रही है तेरी कि मैंने बीच में क्या बोल दिया क्या नहीं। ना इतना ज्यादा काम है, इतना ज्यादा कि 5-6 तो डिलीवरीज है, उसके ऊपर से 4-5 पिकअप भी आ रखी है स्कैनर में। मैं तो ये सोच के हैरान हूँ कि अभी बज रहे 11 है, 4 बजे सारी कंपनियां बंद हो जाएंगी क्या। इतना सारा काम देख कर ना मुझे चक्कर आ रहा है, इतना सारा काम, 5-6 डिलीवरीज, 5-6 पिकअप, ये सारा काम आज ही करवा लेंगे मुझसे। कह रहे हैं आज ही कर लो जो करना है जितना काम, बहुत ज्यादा काम दे रखा है इन्होंने। देखती हूँ कैसे होगा, होगा तो होगा, नहीं होगा तो भाई नहीं होगा, डिलीवरीज तो फिर भी हो जाएंगी, पिकअप अगर नहीं हुई तो क्या कर सकते हैं। मुझे लगता है 1.5 महीना तो आराम से हो गया यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चलते हुए, 1.5 महीना। और अभी तो पीछे ना जब इनका कंस्ट्रक्शन वीक थे और इनकी छुट्टियां थी तो यहाँ पर कोई भी नहीं था काम के लिए, अभी देखो काम के लिए सारे आए हुए हैं। और ऊपर जा रहा है प्लेन, जल्दी मैं भी इंडिया आऊंगी, बस कुछ ही महीने में आ रही हूँ। ये देखो सारे काम पे लगे पड़े हैं, सारे लगे हैं मजे से। इनका काम आप देखो काफी स्लोली स्लोली करते हैं, पता नहीं क्यों। यहाँ कनाडा का मैंने ये देखा है कंस्ट्रक्शन का काम चलता ही रहता है, मतलब चलता ही रहता है ऐसे, जैसे कि नहीं कि किसी ने श्राप दे रखा हो कि भाई चलता ही रहेगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। 1.5-2 महीने से यूं ही लगे पड़े हैं, 2 हफ्ते तो इन्होंने छुट्टियां गुजारी है मजे से अभी कंस्ट्रक्शन वीक की। और मैं इतनी देर से नहीं यही देख रही हूँ, ये कुछ कर भी रहे हैं ऐसे ही बैठे हैं, मुझे ये भी नहीं पता। जब से मैं यहाँ आई हूँ कंपनी में अंदर 1.5-2 घंटे से वो यहीं पर ही थे, इसी जगह पर सेम थे। यहाँ पर ऐसे ही चलता है भाई, थोड़ा सा ना यहाँ का सीन ऐसा ही है कि कंस्ट्रक्शन का काम चलता है तो चलता ही रहेगा। ये मैं उसी कंपनी में आई हूँ जिसमें बैकअप लगाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, बिकॉज ये जो ट्रक है इसके साथ में यहाँ की वो लगती है अंदर, मतलब गली सी टाइप की कह सकते हो आप, जिसमें अंदर बैकअप करनी होती है। सो मैं ऐसे जाऊंगी पहले, फिर ऐसे करके बैकअप लगाऊंगी। अभी फिलहाल कोई और ड्राइवर है अंदर, एक ट्रक है छोटा वाला खड़ा, सो वो निकलेंगे तब उसके बाद मैं यहाँ पे बैकअप करूंगी। नींद सी आ रही है मुझे बहुत ज्यादा, मुझे ऐसे हो रहा है कि मैं सो जाऊं बस। अभी पता नहीं वो ट्रक वाला कब तक निकलेगा बाहर और कब मैं बैकअप करूंगी। इतनी सारी पिकअप्स और इतनी सारी डिलीवरीज है, पहले तो डिलीवरीज ही है, हो सकता है पिकअप वो हटा दे, बिकॉज टाइम उतना नहीं होगा ना, अभी 12:30-11:15 हो रहे हैं। सो करते करते डिलीवरीज को, अभी बहुत सारी डिलीवरीज बची हैं, सेकेंड डिलीवरी पे मैं आई हूँ, अभी कम से कम 4 और है, करते करते इन्हें वैसे 3-4 बच जाएंगे, फिर मैं पिकअप कहाँ करने जाऊँगी और पिकअप के लिए फिर कौन सी कंपनी खुली होगी।
अभी बैकअप करने लगी हूँ एंड थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे ट्रक व्रक खड़े हैं. ट्राई करती हूँ अपना बेस्ट. दोनों तरफ से देखना पड़ेगा, उधर कारें खड़ी हैं इधर ट्रक खड़े हैं. बैकअप आसान तो नहीं है यहाँ पे. मुझे लगता है मुझे थोड़े आगे से और से करना चाहिए स्टार्ट. थोड़ा यहाँ से स्टार्ट करती हूँ बैकअप करना, तो शायद लग जाए. शायद लग ही जाएगी यहाँ से ऐसे तो. कारें बहुत खड़ी है ना यहाँ. कारों के करके काफी मुश्किल हो गया है. जाएगा थोड़ा सा सीधा करना पड़ेगा. थोड़ा सा ना इस साइड को लेके जाना पड़ेगा. अरे ना ये तो गलत हो जाएगा. काफी भीड़ इकट्ठी हो गई है, लोग ट्रैफिक लग गया है. ट्रैफिक काफी लग गया है ना थोड़ा सा. फाइनली लगी गई. थोड़ा सा स्ट्रेट करना पड़ेगा मुझे, पहले जरा ये निकल जाए सारे. थोड़ी है यहाँ बैकअप लगाना. फाइनली लगी. थर्ड नंबर की कंपनी है और इसमें कारों की पार्किंग के बीच से उस साइड पर एक डोर है, वहां बैकअप करना है. तो कारों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा. यहाँ की डोर है वहां पर, ऐसे ही वहां पर 6 नंबर की डोर बन रही है उस साइड में और वहां पे बैकअप करना है. ये मैं कंपनी दोबारा आई हूँ, ट्रेलर लिया है और निकल रही हूँ फिर से ब्रोमोंट के लिए जा रही हूँ. लेकिन उससे आगे इतने सारे ट्रक यहाँ लगे हुए हैं ना, इतने इससे भी आगे लगे हुए हैं. काफी टाइम हो गया यहाँ खड़े हुए और इतना टाइम लगा रहे हैं ये लोग ना, उनका जो भी वेरिफिकेशन या जो भी देखना होता है. मैं जा रही हूँ ब्रोमोंट को और इतनी ज़्यादा ट्रैफिक हो रही है ना कि मैं 1 घंटे से 3 किलोमीटर नहीं पार कर पाई. मतलब 1 घंटा हो चुका है और मैं 3 किलोमीटर भी नहीं यहाँ से निकल सकी, इतना ज़्यादा ट्रैफिक है. पता नहीं आज क्या है, मुझे जाना है ब्रोमोंट और इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है. पता नहीं कब मैं जाऊँगी और कब मैं लौट के वापस आ पाऊँगी.
मुझे तो लगता है मुझे रात बहुत टाइम हो जाएगा लौटने में, घर आने में काम से। आज तो मैं सोच रही थी कि थोड़ा कम ही काम हो, बिकॉज मैं घर जाके थोड़ा प्रॉपर रेस्ट ले सकूँ, या फिर थोड़े बहुत जो काम थे वो कर सकूँ। बिकॉज बीमार रहने के चक्कर में मैं कुछ भी खास काम नहीं कर पाई। लेकिन आज तो उन्होंने जैसे ही मैं अपना सारा काम, इतनी सारी पिकअप्स, आज इतनी सारी डिलीवरीज करी है ना मैंने, मैंने अराउंड 5 या 6 तो डिलीवरीज करी है, उसके बाद 3-4 पिकअप करी है। उसके बाद भी इनका कॉल आता है कि अभी ब्रोमार्ट जाना है, एक वहाँ से आपको एक लोड लेकर आना है। मैंने कहा चलो, ये भी मतलब लास्ट मोमेंट पे बता दी कि ब्रोमार्ट जाना है। 4 बजे मैं कंपनी पहुँच ही रही थी कि ब्रोमार्ट का, फिर तो चलो इट्स ओके, अब चलना ही पड़ेगा, बिकॉज आज उनके पास ब्रोमार्ट के लोड बहुत ज़्यादा है एंड उनके पास शायद उतने ड्राइवर्स नहीं हैं जो भी है। तो मेरे को एक ब्रोमार्ट मिला है और अलग अलग ड्राइवर्स को मिला होगा। बहुत ट्रैफिक लग रहा है, जहाँ जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है ना, सिर्फ ट्रैफिक ही ट्रैफिक दिख रहा है और कुछ नहीं। और अभी मुझे इस कम से कम 3 लेन्स यहाँ से चेंज करनी है। हाँ, नहीं तो एक्चुअली एक ये एक उसके साथ वाली, फिर 2 लेन्स को मुझे चेंज करनी है। चलो ट्राई मारती हूँ धीरे धीरे चेंज करने का। एक ट्रैफिक से जैसी बाहर निकली, लगा कि चलो अब ख़त्म ट्रैफिक, अब तो सब कुछ साफ होगा, एकदम बढ़िया से जाऊंगी, तो एक और ट्रैफिक मिल गया। और मुझे उम्मीद है कि ये ब्रिज के ऊपर ना, जो सामने ब्रिज जा रहा है, ट्रैफिक होगा। हे भगवान, पता नहीं आज मैं ब्रोमार्ट कब पहुँचूँगी और फिर कब लौट के आऊँगी और फिर कब घर जाऊँगी। मुझे घर जाना है, थोड़ा सा दिल कर रहा है मेरा घर जाने को, मेरा लेटने को दिल कर रहा है, मेरा थोड़ा सा सोने को दिल कर रहा है, पता नहीं क्या क्या। कभी ना अनएक्सपेक्टेड काम दे देते हैं ये लोग ना, अनएक्सपेक्टेड। मुझे उम्मीद थी कि 4 बजे तक काम ख़त्म और मैं घर पर, बट हुआ नहीं ऐसा। और कभी इनको ना ऐसे लास्ट मोमेंट पे मना भी नहीं कर सकती कि नहीं मैं नहीं कर सकती, मैं प्रोमोट नहीं जा सकती, वो स्विच नहीं लगा सकती यहाँ से 70-80 किलोमीटर दूर। बिकॉज इनको ना जिस दिन ज़रूरत होती है उस दिन फिर ये ऐसे ही करते हैं ना कि नहीं जाना ही पड़ेगा, प्लीज़ प्लीज़। सो करना पड़ता है। ये देखा, मैंने कहा था ना ब्रिज के ऊपर ही ट्रैफिक मिलेगा, ब्रिज के ऊपर ही मिल गया। कितना ट्रैफिक है आज, यहाँ ट्रैफिक वहाँ ट्रैफिक, पूरी जगह पर सिर्फ यहाँ पर ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। पता नहीं कितने बजे पहुँचूंगी, मेरे को निकले हुए भी 1.5 घंटे हो चुके हैं और अभी तक मैं आधे रास्ते पर भी नहीं आई। आधा तो दूर की बात, मैं मेन जो सिटी के हाईवे हैं उन्हीं को नहीं क्रॉस कर पाई। देखो वो सामने जो बिल्डिंग है ना, वो काफ़ी पुरानी सी लग रही है। मुझे लगता है कोई जैसी रेजिडेंशियल तो नहीं लग रही, कोई कॉमर्शियल बिल्डिंग है, काफ़ी पुरानी लग रही है। ये एरिया ही पूरा पुराना लग रहा है जहाँ पर जितनी बिल्डिंग है। अभी फिलहाल ड्राइविंग कर रही हूँ, इतना ट्रैफिक देख कर ना दिमाग ख़राब हो जाता है कि ट्रैफिक ही ट्रैफिक क्यों होता है यार, थोड़ा जल्दी जाना है। जिस दिन थोड़ा जल्दी जाना हो ना कहीं पर, या लगे कि हाँ आज थोड़ा जल्दी जाके थोड़ा वापस जल्दी आ जाऊंगी, उस दिन ही इतना भयानक ट्रैफिक मिलेगा। मैं वीकेंड का वेट कर रही हूँ, सैटरडे संडे वीकेंड हो जाएगा। अभी कल का दिन और बीच में है, फ्राइडे, एंड उसके बाद छुट्टी 2 दिन की। एक्चुअली मेरा ना आज इसलिए इतना मतलब ऐसा है कि करूँ या ना करूँ काम या ना कम करूँ, बिकॉज मैं अभी ना रिकवर हो रही हूँ अपने जो मेरे को ऑलमोस्ट 1 वीक का जो जितनी भी हेल्थ इश्यूज थे, मेरे को फीवर आया हुआ था। सो यही होता है ना जब रिकवर करो कि चलो थोड़ा कम ही काम कर लो, इट्स ओके फाइन। ये देखिए एकदम इतना सुंदर व्यू आ गया है ना, अभी इस साइड में धूप हो रही है, उधर बादल हो रहे हैं, इतना प्यारा लग रहा है। ये ब्रोमार्ट में मैं एंटर कर चुकी हूँ, बस अभी थोड़ी देर तक कंपनी आने वाली है, 5 मिनट तक। इतना सुंदर है ना, इतना सुंदर ये नज़ारा, बादल इतने प्यारे लग रहे हैं ऊपर। और इस साइड में आ रही हूँ ना, जैसे जैसे वैसे ही अंधेरा सा होता जा रहा है, मतलब थोड़ी जैसे बादल है ना काले बादल, और उस साइड में जहाँ से मैं आ रही थी वहाँ धूप बहुत थी। इतना प्यारा व्यू है ना ये,